जिला अस्पताल में ओपीडी सुविधाओं और इमरजेंसी सेवाओं के लिए आ रहे मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जीर्णोद्धार के चलते उबड़ खाबड़ पड़े अस्पताल परिसर में गर्भवती महिलाओं और वैक्सीन लगवाने आने वाले लोगों को भी खासी दिक्कतें हो रही हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। जीर्णोद्धार के बीच स्वास्थ्य विभाग ने जिला अस्पताल परिसर में ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं जारी रखी हैं। आपको बता दें कि जिला अस्पताल को 300 बेड का अस्पताल बनाया जा रहा है। पुराने भवन को तोड़कर नए भवन का निर्माण किया जाना है। इसके चलते भवन का मलबा परिसर में बिखरा पड़ा है। बारिश के बाद यहाँ आने वाले मरीजों की समस्या और बढ़ गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर संतोष वर्मा के मुताबिक जनता की सुविधा के लिए ओपीडी चालू रखी है। हमारी कोशिश है कि मरीजों को कम से कम परेशानी हो। मरीजों के आवागमन के लिए हाउसिंग वालों से चर्चा की है, वे सीमेंट का रोड तैयार कर रहे हैं। जिला चिकित्सालय का कार्य जो है वो अभी प्रारंभ हुआ है मार्च में, और इस बीच में लॉकडाउन लगा, लेकिन फिर भी जो है वो वहाँ पर जमीन के अंदर काफ़ी जो है गहरा गड्ढा और पाए और उसकी जो है पिलर खड़ा करने का काम चालू हो गया। अब इस स्थिति में इतने सारी मिट्टी जो निकलती है, अब वो डालने के लिए अन्य जगह कहीं नहीं, तो परिसर के अंदर ही है। और जैसे ही वो निर्माण कार्य में जब पिलर खड़े हो जाएंगे तो वो मिट्टी वापस जो है वो उसके अंदर चली जाएगी। पर अभी वर्तमान में जगह काफ़ी कम है और उसको कंटिन्यू किया जाना नहीं चाहिए था कि हम लोग वहाँ पर ओपीडी चालू रखें, क्योंकि अब ऐसी स्थिति में अभी जब और काम बढ़ेगा, डंपर आएंगे, वर्क बढ़ेगा, तो काफ़ी दिक्कतें आएंगी। लेकिन फिर भी जनता की सुविधा के लिए वहाँ पर ओपीडी चालू रखी है अभी हमने, तो हम चाहते हैं कि कम से कम असुविधा हो। उसके लिए हमारी पीडब्ल्यू जो हाउसिंग बना रहे हैं, वो हाउसिंग वालों से हमारी बात हो चुकी है, तो उन्होंने कहा कि हम आपके निकलने के लिए जो है वो सीमेंट कंक्रीट का रोड बना देंगे ताकि बारिश में उसमें दिक्कत ना हो। उनका काम जो है वो अंदर चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10-15 दिन में उनका काम हो जाएगा। सिविल सर्जन के मुताबिक 300 बेड का अस्पताल बनाने में वक्त लगता है। पिलर्स बन जाने के बाद निर्माण काम में तेजी आएगी। पीडी तो बड़ी मुश्किल से है, हम लोगों ने कहाँ कहाँ जगह बना के जनता के लिए रखा है, क्योंकि अगर अन्य कहीं जगह हमारे पास जगह नहीं थी, और अगर अन्य जगह करते हैं तो वहाँ आसपास के लोगों को काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि 24/7 वहाँ पर जो है आकस्मिक सुविधाएँ और आकस्मिक इमरजेंसी सेवाएँ चालू हैं वहाँ पर, उसको बंद नहीं कर सकते। फिर भी अगर ज़्यादा दिक्कतें आएंगी तो ओपीडी बंद करके सिर्फ आकस्मिक सुविधाएँ हमको चालू रखना पड़ सकता है कुछ समय के लिए। ओपीडी के लिए आसपास के जो भी हमारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पर हम लोग भेजें। नहीं, निर्माण कार्य में अभी लग जरूर रहा है कि धीमी गति से चल रहा है, क्योंकि अब इतने बड़े परिसर के अंदर बेस बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, और ज़मीन भी वहाँ खेती की और ऐसी ज़मीन है कि उसमें बड़ा ध्यान रख के बनाया जाना, क्योंकि 300 बेड के लिए भविष्य में बनाना है, उसको ज़मीन 300 बेड की रहेगी, तो उस हिसाब से उसको काफ़ी गहरा गड्ढे खोदे गए हैं और काफ़ी बातें हैं, तो उसमें टाइम लगेगा। जैसे ही फिलर खड़े हो जाएंगे उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद तो निर्माण कार्य दिखने लगेगा। बस प्रारंभिक स्टेज में थोड़ा सा टाइम लगता है कि अभी काम कम है, लेकिन मेरी बात हो चुकी है। अभी 2 दिन पहले ही मैं यहाँ के इंजीनियर और वहाँ के ठेकेदारों से बात हुई, उन्होंने बोला सर आप निश्चिंत रहें, ये 15 दिन के अंदर जो है वो ऊपर लेवल में पिलर ला ले आएंगे। देखा जाए तो जीर्णोद्धार के चलते उबड़ खाबड़ पड़े जिला अस्पताल में मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।